यह है भाई हमारे सामने आईसर 2114, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है और ये मतलब चलने में बहुत ज़बरदस्त हो। इसका आरटीओ में काफ़ी दिक्कत है। अभी इसकी 50,000 की किस्त है। हाँ। अभी ये माल भर रही है 10 या 12 टन। हाँ। तो ट्रक की कितनी है? 35-40। नहीं बताएंगे आरटीओ वाली के बहुत ज़्यादा परेशानी क्या क्या आ रही है, तो बने रहा है बिलो के अंदर। ये चल गई अपनी 92,000। 92,000 में टायर उतर गए? हाँ, 92,000 सही है क्या? उतर जाते हैं तभी, और अपनी गाड़ी बिल्कुल सही रहती है, फिर भी अपना पैसे लग जाते हैं। पैसे लग जाते हैं। तो ये दिक्कत है दिल्ली और हरियाणा रास्ते पे आ रही है कि और कहीं आ रही है? हर जगह आ रही है, टोलों पे भी। उनका जैसे 5 साल क्लीनरिंग करने के बाद ड्राइवर बने? नहीं, मतलब 5 साल इन पे हाली लगे, इनको ले लेके लाइसेंस आधार कार्ड पे लेके हाली। अच्छा। लगना है किस्त। हाँ, वो तो हाली। ये बात तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो ब्लॉग। भाई आज मैं है ना अपनी जीतों के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मेरे पीछे खड़ा आईसर इसके बारे में डिटेल दूंगा कि जो अपन गाड़ी ले तो लेते हैं, लेकिन गाड़ी लेने के बाद भाई जो मतलब चला भी लेते हैं, लोड बढ़िया मिल भी जाता है, इसका सब ट्रांसपोर्टेशन मतलब काम हो भी जाता है, लेकिन रास्ते में जो दिक्कत फेस आ रही है, रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कत अपन को जो इन लोगों ड्राइवर को जो फेस करना पड़ रही है, जो परेशानी उठाना पड़ रही है, वो ड्राइवर आज वो परेशानी बताएंगे आरटीओ वाली के बहुत ज़्यादा परेशानी क्या क्या आ रही है। तो बने रहा है ब्लॉग के अंदर, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है रियल इन्फो ब्लॉग पे, तो ठीक है बने रहा है, मैं बताता हूँ आपको पूरी डिटेल। तो यह है भाई हमारे सामने आईसर 2114, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है और ये मतलब चलने में बहुत ज़बरदस्त हो। इसका आरटीओ में काफ़ी दिक्कत आ रही है, और टन जो है कितने टन है, कितनी दिक्कत आ रही है, और कौन कौन सी रूट पे चलती है, ये सब गाड़ी की डिटेल में आज आपको दूंगा। हमारे भाई हैं ड्राइवर भाई जो ये चलाते हैं, मिलने वाले ही हैं, उसकी पूरी डिटेल आज, ठीक है। 5 साल क्लीनरिंग करने के बाद ड्राइवर बने? नहीं, मतलब 5 साल इन पे हाली लगे, इनको ले लेके लाइसेंस आधार कार्ड पे लेके हाली। अच्छा। लगना है किस्त। हाँ, वो तो हाली। ये बात तो सही है। अब और आखिरी में रिजल्ट मिलेगा 5 साल बाद में, क्या बचा हमें। हाँ, हाली लगे हुए हैं तो 5 साल। तो अभी के इसके लोड मोड सब मिल जाते हैं आपको आसानी से? हाँ, लोड आसानी से मिल रहा है अभी। और मतलब अभी सुनने में आया कि ट्रांसपोर्ट में जो रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं आरटीओ वाली, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? ओवरलोड की दिक्कत आ रही है, पासिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, कितनी पासिंग है ये गाड़ी? 11 टन में, 10 टन में, इसको 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए। और मतलब मैंने सुना है कि रास्ते में वो कांटे में जो लगा देते हैं टोल पे, हाँ, क्या दिक्कत है वो? उसमें दिक्कत हो गई, ये पास नहीं कर पा रही है, 12 टन होना चाहिए था, इसको 10 टन पे दे दी। और कांटे में भी फर्क आता है, बता वो टोल से? 2-3 टन का वो उनका ज्यादा बताता है, उनका ज्यादा बताता है, और अपनी गाड़ी बिल्कुल सही रहती है, फिर भी अपना पैसे लग जाते हैं। पैसे लग जाते हैं। तो ये दिक्कत है दिल्ली और हरियाणा रास्ते पे आ रही है कि और कहीं? हर जगह आ रही है, टोलों पे भी उनका, जैसे अपने ये कांटा कराते हैं यहाँ का। हाँ। अपने 10 टन माल भरा। हाँ। उनका 10-500 बताती है। अच्छा, उनका कांटा। तो ये चोटा ही मतलब वो कर रही है, रास्ते में हो रही है ये, मतलब इस पर कोई दिक्कत मतलब बोलता नहीं है, कोई नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठा पा रही है। मांगते हर जगह पैसे बांट के जाना पड़ रहे हैं, हर जगह पैसे बांट। कितने कितने पैसे लग रहा है? जहाँ टोल 500 रुपए का, तो उनको डबल देना पड़ रहा है, 1,000 रुपए। अच्छा, तो इसमें अपन गाड़ी मालिक को देना पड़ रहा है ये तो? और क्या? और ड्राइवर की कोई दिक्कत? ड्राइवर की कोई परेशानी नहीं, मोटर मालिक के अगर बिल फाड़ देगा ड्राइवर। तो इसमें ये लोड जो अपन दिल्ली का ले जाते हैं, कितने में लोड होता है ये माल? ये करीब करीब अभी क्या भाड़ा चल रहा है? ये लगी 62,000 रुपए एक तरफ का, एक तरफ का जाने का। और इसमें खर्चा क्या आ जाता है? खर्चा इसमें अभी मान लो इसका टोल 10,000 का, तो टोल ही 10,000 के, टोले टोले जाने जाने के 10,000, जाने आने का होगा ना इसमें? हाँ। ईमानदारी के जो टोल लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए? ईमानदारी का यूँ मान लो इसका 8,000 के टोल है, 2,000 एक्स्ट्रा लग रहे चक्कर में, 2,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। हाँ। तो यार इस पे मतलब अपने वजन से तो 10 टन ही है वो। हाँ। तो अपन ने माल भी 10 टन ही भरा, तो इसके पेपर तो बता देंगे 12 टन के पास करके देती है, कोई सी गाड़ी दे रही है कोई सी नहीं, ये 10 टन में ही इसकी, ये छोटी गाड़ी है, इससे बड़ी भी आती है क्या? बड़ी भी आ रही 12 टन में, ये 22 फीट में, 24 फीट में भी वो भी है, ये भी है। अच्छा। हाँ। तो तुम्हें तो 12-12.5 करके ही बताते होंगे पहले पेपर के? नहीं, बोला था हो जाएगी, लेकिन आगे से सरकार ने उसको अभी कराने क्लियर कर। हाँ। देंगे, मतलब यूँ हो रहा है, अभी तो पैसे लग रहे हैं ना हमारे। अच्छा अच्छा, ये समस्या आ रही है। तो कितना साल होगा आपको गाड़ी चलाता? मेरे को हो गया करीब करीब 8 साल। 8 साल, तो पहले अपन ने लाइन अपने खुद की ले ली गाड़ी। इसके अलावा और कोई जानकारी ऐसी देना चाहो जो आप सरकार को बोलना चाहते हैं कि यार इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बात है? बहुत सी दिक्कत आ रही है रास्ते में, पैसे बांटने पड़ते हैं, अंदर लोड है जब भी, ओवर लोड है जब भी, पुलिस वाले ले लेते हैं, वो तो कोई बोलने वाला है ही नहीं गाड़ी वालों की तरफ। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज़ है कि मतलब निकलेंगे आगे, पुलिस ने जाली लगा रहा है कि आचार संहिता की, वहाँ रोक लेंगे कि ओवर लोड है,
जबकि अपन ओवरलोड लेके चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा बिल्कुल, बराबर पैकिंग है ये पूरी बॉडी, ये बिल्कुल इसी लाइन से। अभी कितना वजन है इसके अंदर? 10.5 इतनी पास है, इतनी पास, फिर भी पैसे इसमें स्टेपनी नहीं है, डीजल कम है, बाल मतलब अपने हिसाब से अंदर लोड है गाड़ी, लेकिन उनका काटा 5 क्विंटल इस तरह बताता है, छोटा ही कर रहा है बहुत ज्यादा टोलों पे। तो कभी कहीं किसी से ऐसी भेजबाजी करी आपने? होती रहती है, अब किसको बताएं रास्ते में, ये बात तो है। सुनने वाला ना ट्रांसपोर्ट सुनता है ना कोई अधिकारी सुनता है। कानून होना चाहिए इसके लिए, मतलब आईटीओ में चेकिंग, आईटीओ खुद ही करता है ये चीज, ये चीज करता है। बताओ कि अभी बीच में सिर्फ लाइसेंस लगा के गाड़ी उठा लिया करते थे लोग, अभी वो चीज बंद हो गई क्या? नहीं, अभी भी लाइसेंस पे, अभी मैंने सुना था 3.5 लाख रुपए पहले जमा कर रहा है। नहीं, वो दूसरी मोटर एक गाड़ी है, पहले से ऑलरेडी दूसरी ले रहे हैं तो डाउन पेमेंट जमा करना पड़ रहा है। तो उसमें मतलब ये चीज सही है कि नहीं है, या मतलब जो लाइसेंस लगा के गाड़ी उठा लेते हैं लोग सिर्फ वो चीज, उसमें क्या कहना चाहते हो, ये सही है या गलत है? गलत है ना, है हर कोई मतलब लाइसेंस लगा देगा और गाड़ी उठा लाएगा? गलत है ना वो, ये चीज तो मतलब कितनी गाड़ियां हो गई, कंपनी को देना नहीं चाहिए पहली बात, कंपनी को देना नहीं चाहिए, मतलब आप ये देखो कि मतलब जो सही ड्राइवर है जो मेहनत पहले से कर रहे हैं वो तो एक बार समझ में आती है, अब जो कभी इस लाइन में उतरा ही नहीं है नहीं, वो भी कंपनी को ये करना चाहिए। अभी इसकी 50,000 की किस्त है, हाँ, अभी ये माल भर रही है 10 या 12 टन, हाँ, ट्रक की कितनी है? 35-40 हजार, 35-40 हजार ट्रक की, वो भर रहा है 20 टन, हाँ, तो उसको ज्यादा पैसे बचेंगे कि इसको ज्यादा पैसे? उसको बचना चाहिए ज्यादा, तो बचना चाहिए, तो बच किसको रहा? इसको, इसको नहीं बच रहा इतने, इसको 50,000 की किस्त की जगह इसकी 30 या 35 हजार की किस्त होना था। अच्छा, इसकी आगे कर देते, जो 5 साल के लिए फाइनेंस करा इसको 7 साल करवा, तो नहीं होता 7 साल चल रही है कंपनी में आचरण में ये भी चर्चा 7 साल का लोन की। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपने क्या नहीं उठाई है, पुरानी उठाई थी ये? अपनी तो पुरानी है। अच्छा, आपके पास कौन सा बड़ा ट्राला है? अच्छा अच्छा, पुरानी उठाना चाहिए गाड़ी, पुरानी लेना चाहिए, पुरानी लेना चाहिए। वो किस्त निकालने का कोई तरीका, जैसे अपने का सब्सक्राइबर देख रहा है अगर वो लेना चाहते हैं गाड़ी, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं कि आप गाड़ी कैसे चलाओ, कैसे ले हो के मतलब? नहीं, गाड़ी लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये है मानना, गाड़ी लेना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्यों नहीं भरा पा रहे ना? अब कंपटीशन ज्यादा होगा, पहले 10 गाड़ियां थी, अब 20 हो गई, माल वही है। अच्छा, दो ट्रांसपोर्ट थे, 10 हो गए, जो भाड़ा 100 रुपए का था उसे 80 पे ले आते हैं पार्टी का भला करने के लिए। ये कंपटीशन होगा ना गाड़ी ज्यादा होने से, गाड़ी ज्यादा होने से कंपटीशन, क्यों बहुत सारी गाड़ी ले तो आते हैं लोग, खींच भी रही होंगी, खींच भी रही है, खींच रही होंगी उन गाड़ी का क्या? नहीं, 8 गाड़ी खींच चुकी है, नो मान लो एक जेस्ट, इसने इसकी रख ली, इसने इसकी रख ली गांव में, और क्या? अच्छा, 8 गाड़ी खींच चुकी है, नो मान लो। तो पहले लाइन होती जब भी तो लेके आता इंसान के, वैसे उठा लाता नहीं, लाइन तो है लेकिन किस्त बड़ी है, लाइन दे रही है 30,000 रुपए महीने के हिसाब से, किस्त आ रही है 50 की 20, कहाँ से लाएगा बंदा? और पहले उसके पास पैसे होते तो आयसर क्यों लेता, वो ट्रक लेता ना, सही बात, 4 या 5 लाख रुपए जमा होते हैं तो इसका, ये लोग इसलिए उठाते हैं माइलेज ज्यादा है, इसका लोड मिल जाता है, छोटी गाड़ी मिल जाता है। दूसरी बात ये कि पैसे नहीं है ड्राइवर के पास, बगैर लाइसेंस का आधार कार्ड वगैरह लगाए गाड़ी लिया। अभी गाड़ी में ना कि पलटी भी हो गई 2 बार, उसकी क्या वजह है? इसके अंदर कोई मशीनरी प्रॉब्लम है जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया? ड्राइवर बसा सकता है जो इसको चला रहा है। अच्छा, इससे पहले एक गाड़ी कोई यहाँ पे राउकेड़ी में एक्सीडेंट हो गया उसका, अभी वही कल परसों एक तो ये बता रहा था वो कि इसका ब्रेक फेल हो गया था या कुछ लाइन फेल हो गई थी, क्या वजह? उसको मालूम है ड्राइवर को क्या वजह से, क्यों सादिक भाई तुम्हें मालूम है? ये गाड़ी क्या 6 टायर में अक्सर ब्रेक जल्दी आ ही नहीं पाते, ट्राला क्या 10 टायर है उसके, चारों टायर में ब्रेक है, इसमें 2 में है। अच्छा, तो इसके क्या पिछले हिस्से से गाड़ी रुक पाती है, अगले टायर में तो कोई ब्रेक है नहीं। हाँ। इस कारण उसका कभी कभी गाड़ी फेल हो जाती है, आप ब्रेक यहाँ लगाओगे गाड़ी जाके वहाँ पे रुकेगी, कंपनी में चाहिए ना चारों टायर में पूरे अगले पीछे पूरे टायर में ब्रेक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं को लेकिन अगले नहीं, अगले काम नहीं करते अक्सर, पिछले काम करते हैं, जब अगर पूरे बराबर होंगे तो फिर चारों टायर एक साथ जाम होंगे, जब 2 पिछले जाम हो रहे हैं अगले नहीं जाम हो रहे तो गाड़ी घिसका भी चली जाएगी, ज्यादा ज्यादा ये होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे पहले लाइन भी फेल हो जाती है, लाइन भी फेल हो जाएगी, इससे पहले ठुक जाएगी गाड़ी आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, होना चाहिए कंपनी भी। ये टायर कितने कमजोर दे रहे अभी, कितने महीने हुए गाड़ी को देखो, कितने किलोमीटर पे उतर गए टायर? 1000 किलोमीटर हुई होगी गाड़ी अभी। C8 के टायर हैं ये तो भाई बहुत बेकार टायर होते हैं यार, C8 के अभी इसकी रनिंग कितनी होगी दिखा देंगे क्या अभी? चाबी तो दिख जाएगी उसके, देखो ना पूरा कंजा होगा, टायर निकलने वाले पीछे के भी तो गंजे होगा पूरे ही, अभी टायर डालना कितने कार्य है इसका, कितने कार्य है टायर? टायर अभी जोड़ा आ रही है 42 का है, 42,000 का जोड़ा, क्यों भाई साहब कितने चल गई है गाड़ी?
ये चल गया अपनी 92,000 92,000 में टायर उतर गए। सही है क्या उतर जाते हैं इतने में? मतलब टेंडर रहता कंपनी अच्छे लेगी नहीं, मतलब C8 के टायर डाल रही है तो बेकार टायर है इसमें, अपोलो के या वो क्या नाम और कोई से टायर होना चाहिए थे इसमें, जेके टायर वगैरह है ना, और कोई होना चाहिए थे इसमें। है कंपनी लोकल दे रही, कंपनी लोकल दे रही। एवरेज क्या निकाल रही गाड़ी है? साढ़े चार पाँच का एवरेज बताते, 6-7 का एवरेज बता रहा लेकिन बताती इतनी है कंपनी। कि इसके अंदर बॉडी ऊपर नीचे आगे पीछे बढ़ाई क्या आगे कुछ कि वही है कंपनी वाली, कंपनी ऊपर से भी सब पैसे की जो देती है वही के वही है, थोड़ा बहुत इसमें आगे तो वेल्डिंग कराया हुआ है, पत्ती लगवाई है। ये है दोस्तों ये रियल इनको ब्लॉग पे, ये जो आपके आजकल ड्राइवरों को दिक्कत फेस करना पड़ रही है RTO की और जो काफ़ी समस्याएं आ रही हैं इस चीज़ को लेके भाई, अभी क्या ज़्यादा सरकारों को गवर्नमेंट को पता नहीं होगी शायद ये चीज़ें, तो जितनी दिक्कत ड्राइवरों को उठाना पड़ रही है अगर ये गाड़ी अगर ये लोग नहीं चलाएंगे, अगर इतनी दिक्कत में चलाएंगे और पैसा इन्हें नहीं बचेगा तो फिर मतलब क्या हो रही है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेने से है बिल्कुल। अब ये बताओ आप मुझे कि इतना ही पैसा अभी इनकी गाड़ी किसके लिए निकल रही तो उसका फ़ायदा क्या हो रही है? गाड़ी के अंदर मौसमी भर के लेके जा रहा है ये, अब बिल्कुल लिमिट का वज़न है इसके अंदर, कोई ज़्यादा वज़न है नहीं और जितना वज़न गाड़ी कंपनी पास कर रही है कितने टन पास कर रही है उतने टन इसके अंदर वज़न है। गाड़ी को इंजन वगैरह की डिटेल नहीं दी जो मैं देना नहीं चाहता, जो चीज़ मुझे बतानी है रियल इन्फो ब्लॉग पे जो मेरा चैनल है वही चीज़ मैं आपको रियल इन्फो ब्लॉग दे रहा हूँ, रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो भाई ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी क्या लगी? भाई ड्राइवर भाई जो एक जो गाड़ी के ड्राइवर हैं जो मैंने पहले बुलाया था उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है और जो मेन जो ड्राइवर है जो काफ़ी टाइम हो गया है जिनको उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो कैसी क्या आपको लगी, और ये जो मेरा रियल इनको ब्लॉग पे ये जो ब्लॉग आपको लगा ये कैसा क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि ऐसी नॉलेज और वीडियो रियल इनको ब्लॉग पे आपको मिलती रहे। ठीक है सादिक भाई मिलते हैं फिर आपको, अगर और कोई चीज़ दिक्कत आती है आपको इन गाड़ी को लेके तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है